दिस इज दीप मेहता। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है डीलिंग विथ रिजेक्शन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रिजेक्शन बहुत आम बात है। आज आप किसी भी बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रगति का कह सकते हैं नेचर है। ऐसा किसी भी फील्ड में होता है। आप कोई बड़ा बिजनेस डालते हैं, आइदर छोटा बिजनेस डालते हैं, तो जो भी शख्स आपके पास गुड्स परचेज करने के लिए आता है, आइदर जिसे आप कन्विंस करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर शख्स आपसे कन्विंस हो जाए, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है। किसी को लाइफ में बहुत तरक्की करनी होती है, कोई अपने लाइफ से इनसेटिस्फाइड है, तो रिजेक्शन बहुत आम बात है, रिजेक्शन बहुत कॉमन है। जितना ज़्यादा रिजेक्शन होता है, आप उतने ही मेंटली टफ होते हैं, उतने ज़्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए स्ट्रांग होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं तो रिजेक्शन की आदत बनानी पड़ेगी। कुछ लोग रिजेक्शन से घबरा जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं बिजनेस। कुछ लोग रिजेक्शन की आदत बना लेते हैं, वो आदि हो जाते हैं इसका, तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। रिजेक्शन से डरना नहीं दोस्तों, इसे डील करना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन से डर गए तो आप मर गए, आप MLM पे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे खत्म हो गए। दोस्तों, आज जितने लोग सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बुलंदियों को छुआ है, जो आज करोड़ों रुपया MLM इंडस्ट्री से कमा रहे हैं, बस इसी वजह से क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन को फेस किया है। रिजेक्शन हमेशा नई नई चीज़ें सिखाता है। जो रिजेक्शन की बात हम करते हैं, रिजेक्शन हमें न्यू अपॉर्चुनिटी देता है, नया ऑप्शन। आज के डेट में अगर कोई मना कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको मना नहीं कर रहा है। आप इसको पर्सनली मत लेना। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रिजेक्शन को पर्सनली लेते हैं, उसने मुझे मना कर दिया। दोस्तों, उसने आपको मना नहीं किया, और आपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके सामने प्रेजेंट करी है, उस अपॉर्चुनिटी को उसने मना किया है, वो आपको मना नहीं कर रहा है। उसे आपसे परेशानी नहीं है, उसे उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से परेशानी है जो उसके सामने आप रख रहे हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनों के पास आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जाएं, सभी लोग आपको यस 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 बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी मानसिकताएं अलग अलग होती है। रिजेक्शन आपको मेंटली टफ बनाता है। रिजेक्शन आपको सिखाता है कि कैसे लोगों को हैंडल करनी है और कैसे लोगों के साथ बात करनी है। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया, सभी लोग आपके साथ ज्वाइन होते गए, तो आप अपने आप को मजबूत नहीं बना पाओगे नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, आप स्ट्रांग नहीं बना पाओगे। रिजेक्शन हमें घिस घिस के हमें परफेक्ट बनाता है। रिजेक्शन की वजह से हमारे अंदर परफेक्शन आती है, हमें हमारा वे ऑफ टॉकिंग बदलता है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है, लड़ने की प्रवृत्ति बदलती है, जुझारूपंती हमारे अंदर आती है, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन की वजह से। तो दोस्तों, रिजेक्शन को डील करना सीखो, रिजेक्शन से भागना मत, रिजेक्शन से डरना मत, रिजेक्शन की वजह से परेशान होकर इस इंडस्ट्री को छोड़ के मत चले जाना। क्योंकि दोस्तों, रिजेक्शन तो आएंगे। आज जो लोग लाख रुपया भी अगर हफ्ते का कमा रहे हैं तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन फेस किया है। अगर आपको लाख रुपया कमाना है तो आपको भी रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। सो दोस्तों, पहले से माइंड मेकअप करके ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर कदम रखना। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सफर शुरू कर रहे हो, तो दिमाग में चीज डाल लेना, अगर आप 10 के पास अपना प्लान लेके जाओगे तो उसमें से कोई जरूरी नहीं कि 10 के 10 आपके साथ हैं, लेकिन हाँ, इस बात की 100% श्योरिटी है कि उसमें से 6 या 7 लोग या 5 लोग हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दें। वो आपको ये बोले आपका बिजनेस ठीक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, रिजेक्शन परमानेंटली नहीं होता। अगर आज को रिजेक्ट कर रहा है तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद वो पलट के आपके पास वापस आए। क्योंकि साइकोलॉजी बोलती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हर एक 20 दिन में लोगों का दिमाग बदलता रहता है। तो आज आपके सब्जेक्ट को देख के जिसने रिजेक्ट किया, हो सकता है कि वही बंदा कुछ समय के बाद आके आपको बोले कि आपका ये प्लान उसे करना है, आपका प्लान उसे समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, रिजेक्शन से परेशान मत होइए, मुस्कुराइए कि आप एक ऐसे बिजनेस में जहां रिजेक्शन आता है, मुस्कुराते हुए इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। आप देखिएगा सफलता के नई ऊंचाइयों पर खुद ब खुद पहुंचते जाएंगे, और आप डरेंगे नहीं, आप कमजोर नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर ताकत आ जाएगा अगर आप ये समझ गए कि रिजेक्शन इस बिजनेस का नेचर है, होता रहता है। वैसे दोस्तों, दुनिया के किसी भी बिजनेस में जाएंगे तो क्या लगता है कि सभी लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं? एज फॉर एग्जाम्पल, आप एक कपड़े का दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो क्या लगता है 100 कस्टमर आपके पास डेली आएंगे तो डेली 100 के 100 प्रोडक्ट खरीद के जाएंगे? सर, वहाँ से 20 लोग ही प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं, 80 ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आपके जो आपका शॉप है उसमें AC का हवा खाने के लिए आएंगे। कुछ लोग बस देख के जाएंगे, किसी को कलर पसंद नहीं आएगा, किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, किसी को आप भी पसंद नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो रिजेक्शन से परेशान नहीं होना, रिजेक्शन को मुस्कुराते हुए अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए, सक्सेस 100% मिलेगा।